अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी हम ये गुड़ा हबीब की जो दूसरी दरबार है वहाँ पे खड़े हैं। ये दरबार जो है, ये दूसरी दरबार है। पहली दरबार जो हमने पहले वीडियो बनाई थी ना, वो बड़े बुज़ुर्ग थे सैयद हसन अली शाह साहब। ये उनके सैयद हसन अली शाह साहब वो बड़ी दरबार है, और ये उनके पोते हैं सैयद इमाम अली शाह साहब। ये दरबार की लोकेशन देखें, बहुत हाइट के ऊपर है, बाकी सारा जो गांव है वो बहुत नीचे है। देखें, यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि दूर दूर से मरीज आते हैं। आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि ये जो बुज़ुर्ग हैं, बाबा जी हैं, इनकी दरबार के ऊपर वो दम तो करते हैं, लेकिन ये एक ख़ास किस्म का आयल देते हैं। उस आयल में बड़ी शिफा है, यानी कि जो कोढ़ के मरीज़ हैं वो भी, चंबल के, हारिश के, बल्कि दूसरे अल्फाज में ये कहें कि जो स्किन के मरीज़ हैं, स्किन की या जल्दी बीमारियाँ जितनी भी हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको शिफा हासिल हो जाती है। लोग दूर दराज से सलाम करने यहाँ पर आते हैं। ये बड़ा खूबसूरत एरिया है। देखिए, दरबार के चारों तरफ ये छोटे छोटे जैसे पहाड़ियाँ होती हैं ना, बड़ा दिलकश मंदिर है। ये जो दूसरी दरबार है नीचे वाली, वो इधर से नज़र आती है नहीं आती? हाँ, जो दूसरी दरबार है ना, ये जो आपको सामने दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, इनके झुंड में थी वो वाली। आइए दरबार का अंदरूनी मंदिर देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सैयद गुलाम अली शाह नकवी जो हैं, ये इनका मज़ार मुबारक है, और इनके साथ फिर इनके जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनकी कब्रें जो हैं वो भी इधर साथ हैं। तो ये बड़े साहिब करामत बुज़ुर्ग हैं, और इनका फैज़ जारी और सारी है। दूर दराज से लोग जो हैं वो यहाँ पे सलाम करने के लिए आते हैं, बीमार आते हैं, और वो शिफा याब भी होते हैं। अल्लाह पाक का खुसूसी करम है इनके ऊपर। ये दरबार को बाहर से एक दफ़ा देखते हैं, किसका जो गुंबद है।